चलिए बनाते हैं आज एक और डिफरेंट नाश्ता। आज का नाश्ता बनेगा सूजी से, बेहद आसान है, आपको मजा आ जाएगा इसे खा के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निहारिका एंड वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज। आज मैं एक और नई रेसिपी लेकर आई हूं। होप करती हूं आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसे शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और नॉनस्टिक पैन के अंदर डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच घी। 3 छोटे चम्मच आपको घी डालना है, इसी से सारा फ्लेवर एनहांस होगा। अब जैसे ही हल्का सा हमारा घी गर्म होने लगेगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब राई के दाने। ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ मैं, छोटी चम्मच डालना है आपको एक। अब आप इसके अंदर डाल दीजिए चना दाल। यहाँ पे मैं चना दाल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो उड़द दाल भी यूज कर सकते हैं। मैं एलर्जिक हूँ इसलिए मैं उड़द दाल का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ चना दाल को भी अच्छे से भून लीजिए और इन दोनों को ही अच्छे से भूनने के बाद अब आप इसके अंदर डाल दीजिए थोड़े से काजू। 5 से 7 काजू के टुकड़े करके डाल दीजिए। बहुत अच्छे से इन्हें ब्राउन होने दीजिए, सौते कर लीजिए। अपनी फ्लेम को आप बिल्कुल कम रखिएगा, बिल्कुल आपके काजू और चना दाल जलना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए मैंने आज नॉनस्टिक पैन यूज किया है। आप दूसरा कोई और पैन यूज करें तो पहले उसे अच्छे से ग्रीस जरूर कर लें। यहाँ पे मेरा काजू भी थोड़ा सा गोल्डन होने लगा है और चना दाल पे भी गोल्डन इफेक्ट आने लगा है, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ डाल दीजिए बारीक कटा हुआ करी लीव्स यानी मीठा नीम डाल दीजिए। दोनों को ही पकने दीजिए कुछ 30 सेकेंड और अच्छी इनका फ्लेवर्स रिलीज होने दीजिए ऑयल के अंदर। यहाँ पे मैं आधी गाजर काट के डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक कटी हुई डालिएगा, इसमें कोई भी चीज बड़ी ना काटें। यहाँ मैं सिर्फ गाजर का ही यूज कर रही हूँ, एक ही चीज डाल रही हूँ, आप मटर और कॉर्न भी डाल सकते हैं। मैंने बारीक कटी हुई गाजर डाली है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, फ्लेवर्स रहने चाहिए, क्रंचीनेस रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं 1/4 कप प्लस 3 बड़े चम्मच के करीब सूजी डाल रही हूँ। 1/2 कप से थोड़ी कम सूजी है ये। अब आप इस सूजी को हल्का हल्का सा भूनिए, फ्लेम को बिल्कुल भी तेज ना करें, बिल्कुल कम आंच पे सूजी को भूने। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आप इस वक्त डाल दें। हल्का हल्का सब कुछ भूनना है आपको, सूजी का कलर चेंज नहीं होना लेकिन उसके अंदर सारे फ्लेवर्स आ जाएं। घी का फ्लेवर आ जाएगा, मीठा नीम का फ्लेवर आएगा, सब चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि अब धीरे धीरे खुशबू आने लगी है सूजी में से, तो सूजी जब अच्छे से थोड़ी सी भुन जाए, लाइटली भुन जाए, उसमें से खुशबू आने लगे, तब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने दीजिए। 5 से 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसको मैंने स्टीमर बनाया है। इस कढ़ाई के अंदर आपको एक स्टैंड लगाना है, इसके अंदर पानी भरना है और एक जाली लगानी है। मैंने दूध की जाली लगाई है, आप कोई और तरह की जाली ले सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं बना रही हूँ वो थोड़ी बड़ी साइज होगा इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप इडली स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ मेरा सूजी का मिक्स बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 बड़े चम्मच के करीब दही। 3 बड़े चम्मच दही डालने के बाद आप इसके अंदर नमक डाल दें स्वाद अनुसार और धीरे धीरे मिक्स कर। जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब आप इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालना शुरू करें। बिल्कुल इडली जैसा बैटर बनाना है आपको, ना ही बहुत गाढ़ा ना ही बहुत पतला, धीरे धीरे पानी डालें। ऑलरेडी हम दही डाल चुके हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर हमें कोई मसाले नहीं डालने हैं। बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम लेंगे छोटी छोटी हलवा प्लेट्स, इनमें को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल लगा के इन हलवा प्लेट्स को ग्रीस कर लीजिए और अब हम इसके अंदर अपने बैटर को डालेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कांचीपुरम इडली, जो कि बहुत टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है, आपको इसको खा के मजा आ जाएगा। इसके अंदर डाल दीजिए 1 चम्मच के करीब फ्रूट सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि बैटर अच्छे से फूल जाए। अब हमने जो ये ग्रीस करी हुई हलवा प्लेट्स रखी हैं, इनके अंदर 1 से 2 हलवा प्लेट्स के अंदर आप डाल दीजिए और अब आप इसे स्टीमर में रख दीजिए। मैं इस वक्त सिर्फ 2 ही रखूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। आप तीसरी प्लेट को रख के देख लीजिए, अगर इसके अंदर आ जाती है तो, यहाँ पे नहीं सेट हो रही है तो मैं पहले 2 को ही अच्छे से स्टीम करूंगी। कुछ 10 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है। आपकी कटोरियाँ टेढ़ी ना हो इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी जो इडली निकलेगी वो टेढ़ी हो जाएगी। जब तक इडली बनती है चलिए बनाते हैं एक फटाफट सी चटनी। एक चटनी जार ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए आप 8 से 10 करी लीव्स। इसी के साथ डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, काट लीजिए इसको छोटा। इसी के साथ अब हम डाल रहे हैं नारियल, मैंने 1/2 नारियल लिया है
और इसका ब्राउन पार्ट हटा दिया है। फ्रेश कोकोनट है यहाँ पे। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट ना हो तो आप ये चटनी डेसिकेटेड कोकोनट से भी बना सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे भुना हुआ चना डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद पहले हम इसे ड्राई मिक्स कर लेंगे। पिंच सॉल्ट भी डाल दें आप इसी वक्त। अब आप इसे ड्राई चला लें। ड्राई ग्राइंड करने से क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पिस जाता है। अब जब सब कुछ अच्छे से पिस चुका है तो मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। मैं अपनी चटनी में दही डालती हूँ, मुझे ये चटनी दही के साथ पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो सिर्फ आप पानी यूज़ कर सकते हैं। दही डालने के बाद, थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इस चटनी की कंसिस्टेंसी देखिए। मैंने इस चटनी में बिल्कुल भी हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। इस तरह से बनाइएगा आप चटनी। मैंने बोल में खाली कर लिया। अब लगाते हैं थोड़ा सा तड़का। छोटा तड़का पैन ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए 2 चम्मच के करीब तेल। 2 छोटा चम्मच तेल डालना है हमें। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब राई के दाने और राई को अच्छे से पकने दीजिएगा। इसी के साथ आप डाल दीजिए 1 चम्मच के करीब चना दाल और 1 चम्मच के करीब उड़द दाल। मैं यहाँ पे उड़द दाल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चना दाल यूज़ कर रही हूँ। चना दाल जैसे ही अच्छे से क्रिस्पी होने लगे आप इसके अंदर करी लीव्स डाल दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मैं 2-3 टुकड़े लाल मिर्च के डाल रही हूँ, यानी ड्राई चिली के डाल रही हूँ। इसको अच्छे से पक जान दीजिए। अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और ये तड़का अब आप अपनी नारियल की चटनी पे लगा दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आपकी चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को आप इडली से, डोसा से, उत्पम से, सभी से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मेरी इडली भी बनके तैयार है। इडली में से अच्छे से धुआं निकल रहा है, बहुत अच्छे से स्टीम निकल रही है। तो हम करेंगे गैस की फ्लेम को लो और हम इसका धीरे से लिड रिमूव करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, हाथ पे लग सकती है। आप चेक कर लें एक बार आपकी इडली कैसी पकी है, फोक को या नाइफ को डाल के देख लें। अगर बिल्कुल क्लीन आता है इसका मतलब अच्छे से पक चुकी है। कांचीपुरम इडली फटाफट बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल आपके नॉर्मल इडली की तरह है। इसे हम गैस से हटा लेंगे और बाकी बचा हुआ जो हमारा इडली बैटर है उसकी इडली भी अब हम इसी स्टीमर में रख देंगे। जब तक कांचीपुरम इडली ठंडी ना हो जाए तब तक आप उसे डीमोल्ड ना करें, यानी उस प्लेट से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें। पूरी तरह से जब ये ठंडी हो जाएगी तभी आप निकालें, क्योंकि ये भारी है, बड़ी बनाई है हमने तो थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छे से मैंने ग्रीस करी है तो देखिए आप कितने अच्छे से निकल गई है। ठंडी होने के बाद ही निकालिएगा, इस बात का ध्यान रखें। बहुत बड़ी है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप अपने इडली स्टैंड में बना रहे हो तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी इडली सर्व कर ली है, बाकी इडली बन रही है अभी। तो अब इसे आप चटनी से सर्व कर दें, जो नारियल चटनी हमने बनाई है, फ्लेवरफुल नारियल चटनी है। दही के साथ बना के देखिएगा, ये आपको किसी और नारियल चटनी से ज़्यादा पसंद आएगी। आज की मेरी कांचीपुरम इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी किसी भी रेसिपी का शॉर्ट्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। मेरी बनाई हुई बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सॉर्ट करी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। बनाते हैं तो मुझे टैग ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।